नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं आली की लेटेस्ट ब्रेकिंग अपडेट। जिनका भी प्रधानमंत्री जनधन खाता है उनको 5,000 रुपये मिलेंगे, और इसके साथ ही जिन्होंने उज्ज्वला गैस योजना के तहत कनेक्शन ले रखा है उनको मुफ्त में गैस सिलेंडर और गैस की एडवांस सब्सिडी आ चुकी है, वो भी दिखाने वाला हूँ। अगर आपकी नहीं आई है तो क्या करना है, और अगर आपका जनधन खाता नहीं खुला है तो क्या करना है, कैसे खोलना है, एक एक जानकारी प्रूफ के साथ। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। दोस्तों आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनधन खाते में 5,000 रुपये मिलेंगे, उससे पहले देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत आपको 3 महीने मुफ्त में सिलेंडर मिल रहे हैं गैस, जिसके 2 सिलेंडर यानी कि 2 माह तक मुफ्त में गैस सिलेंडर मिल चुके हैं, जिनकी एडवांस सब्सिडी आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, आप ये लेटेस्ट मैसेज देख सकते हैं कि 596.50 रुपये क्रेडिट योर बैंक अकाउंट LPG अंडर PM गरीब कल्याण योजना। PM गरीब कल्याण योजना के तहत आपका LPG गैस सिलेंडर लेने के लिए आपके खाते में राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है, ये मैसेज है हाल ही का। आगे हम आपको ये भी दूसरा मैसेज भी दिखा सकते हैं, देखिए कि LPG सब्सिडी का जो यहाँ देख सकते हैं खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है, तो आप अपने खाते में जो एडवांस सब्सिडी खाते में आई है उस सब्सिडी को निकला के और उज्ज्वला योजना के तहत आप मुफ्त में गैस सिलेंडर ले सकते हैं। अगर आप इस महीने गैस सिलेंडर नहीं भरवाएंगे तो अगले माह आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। बात करते हैं जनधन खाते को लेकर। जनधन खाते में दोस्तों आपका बैंक खाता जो आधार से लिंक होना ज़रूरी है, तो जो महिला जनधन खाता धारकों के लिए ये बड़ा तोहफा है कि उनके खाते में गरीब कल्याण योजना के तहत पैसे ट्रांसफ़र कर सकती है सरकार। देश में लॉकडाउन के तहत सरकार ने बड़ा कदम उठाया, 20.50 करोड़ महिलाओं के खाते में ये सीधी राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। और इतना ही नहीं, ये दोस्तों आप ये भी देख लीजिए कि जो जनधन खाता धारक हैं उनको आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 16,394 करोड़ सीधे उनके DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना के तहत सरकार उनके खाते में जनधन खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर रही है, जल्दी आपके खाते में ट्रांसफ़र हो सकेंगे। एक मेरे दोस्त ने मैसेज बताया कि उनके खाते में राशि ट्रांसफ़र हुई है, तो आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सभी जनधन खाता धारकों के लिए बड़ी घोषणा की है। 5,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा सकेगी, उनका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, और ये दोस्तों 1500 रुपये पैकेज के अलावा ये योजना है। जिनको आर्थिक रूप में जो 1500 रुपये मिल रहे हैं तो उसकी दूसरी किस्त 500 रुपये अगले माह जारी होगी। और दोस्तों आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वोमेन महिला जनधन खाता धारक में 5,000 रुपये क्रेडिट। तो आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि जिनका भी गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं आई है वो कमेंट वर्क करके बताएं। और दोस्तों अगर आपका बैंक में जनधन खाता नहीं खुला है और अपना जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो ले जाके नज़दीकी बैंक या ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आप बैंक में जनधन खाता खुलवा सकते हैं 0 बैलेंस में, और इस योजना का लाभ पा सकते हैं। और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पे एक लक्की ड्रा ऑफर चल रहा है, जिसमें आप जीत सकते हैं पूरे 2,000 रुपये का पेटीएम कैश। जो लाइक करेगा उसे 1,000 रुपये का पेटीएम कैश लक्की ड्रा के तहत मिल सकता है, और जो सही आंसर देगा उसको 2,000 रुपये का पेटीएम कैश जीत सकते हैं। पर्सन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है उसको कमेंट में बताना है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और जो लकी ड्रा में शामिल होगा उसे 2,000 रुपये का पेटीएम कैश मिलेगा। धन्यवाद।